नमस्कार। आज वनौषधि सीरीज में जानेंगे धनिया के बारे में। लैटिन नाम है कोरिएंटम सेटाइवम, संस्कृत में बोलते हैं धन्यक, छत्रा, कुस्तम्बुरु। कुस्तम्बुरु मतलब इसकी संस्कृत श्लोक है, कुत्सितं रोगो समूहं तुम बुन्ति अर्दयति इति, जो रोग समूह को समूल नष्ट करे और त्रिदोष हर है, इसके कारण इसका नाम है कुस्तम्बुरु। एक और नाम है बितुन्नक। बितुन्नक नाम से भी समझ सकते हैं इसके इसके कार्य के बारे में। विगतं तुन्नो दुःखं स्मात्, जिसके सेवन से सारे कष्ट दूर हो जाए, उसे कहते हैं बितुन्नक। हिंदी में धनिया बोलते हैं, बांग्ला में धने, गुजराती में धाना, तमिल में कोतामल्ली, तेलुगु में धनियालू, मलयालम में कोतुम पलरी, कन्नड़ में इसका नाम है कोतम्बरी, और अंग्रेजी में बोलते हैं कोरिएंडर। ये त्रिदोषहर है। इसमें इसके रस में जो है लगभग चार तरह का रस मिल जाते हैं, कसाई स्वाद वाला, तीक्त वाला, मधुर और कटु रस, जिसके कारण ये त्रिदोषहर है। ये स्नेह दोष न है इसलिए बात को समन करता है। कसाय तीक्त मधुर होने से ये पीतु को समन करता है, और तीक्त कटु होने से ये कफ का समन करता है। यानी किसी भी रोग में धनिया दिया जा सकता है। धनिया का बाह्य लेप सोथर है, यानी सूजन को नष्ट करने वाला, और शूलहर है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। हरी धनिया का पत्ता पीसकर अगर माइग्रेन है या सर में दर्द है तो इसको, इसके जहाँ सर पे अगर सूजन भी है तो माथे पे या सर में इसका लेप किया जाए तो ये कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। विसर्प या गंडमाला आदि रोग में भी इसका लेप होता है। अगर पायरिया है और मुंह से गंध आता है तो हरी धनिया का रस निकाल के इसका गंडूस धारण कर सकते हैं या कुल्ली कर सकते हैं। मुंह में रख के, थोड़ी देर रख के कुल्ली करके इसको फेंकिए तो देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। गले के किसी भी रोग में भी सेम एक ही चीज़ आप कर सकते हैं। रक्त पित्त में जैसे विशेषतः नासा से जब रक्त स्राव होने लगता है, रक्त निकलने लगता है, तो उस समय इसका रस जो है नाक में डाल देने से ये कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। रेगुलर बेसिस में कुछ दिन करना पड़ेगा। अगर आँखों में कोई प्रॉब्लम है तो इसके रस या काढ़ा नेत्र में थोड़ा सा डाल देने से नेत्राभिसंधि जो है ठीक हो जाता है। अगर माइग्रेन पेन है तो अगर हरी धनिया नहीं मिलता है तो धनिया का जो बीज है उसका भी, सूखी धनिया बोलते हैं जिसे, उसका भी लेप किया जा सकता है और आपको कम्प्लीटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ये आप यूज़ करके खुद देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आभ्यंतरीण इसके प्रयोग के बारे में जानते हैं। धनिया का छिलका उतर के अगर इसकी मज्जा का क्षीरपाक विधि से बना के इसका दूध को सेवन किया जाए तो मूर्छा, हिस्टीरिया जिसे बोलते हैं, भ्रम, हेलुसिनेशंस और स्मृति ह्रास, अगर मेमोरी लॉस है तो इसमें आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अतिरिक्त पाचन संस्थान में इसका रिजल्ट ये है, ये अरुचि समन करता है, उल्टी होना बंद कर देता है। अगर खाना हजम नहीं होता तो भी आप इसका व्यवहार करिए। इसके अलावा अगर पैखाना ज़्यादा हो रखा हो, अतिसार है या पेट में दर्द है या क्रीमी है, अर्थ में भी इसका यूज़ होता है। सांस कास में ये बहुत लाभकारी है। ये मूत्रल है,
यानी मूत्र कृच्छ जहाँ पेशाब आने में कष्ट होने लगता है, तो धनिया का सेवन करने से ये मूत्र कृच्छता खत्म हो जाता है। पैतृक प्रमेय में भी इसका यूज होता है। इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी कुछ लोगों में अधिक मात्रा में कामुकता दिखाई देता है, जिसे कामोन्माद कहा जाता है। ये कामोन्माद को खत्म करने के लिए धनिया बहुत प्रशस्त है। जड़ों में देने से हरी धनिया या सूखी धनिया कुछ भी हो, तो जड़ का यानी बुखार का जितना उपद्रव है, जैसे प्यास लगना, उल्टी होना या सर में दर्द होना, जो कि आजकल कोरोना में भी सिम्टम सेम मिलता है, तो वो शांत हो जाता है। खास करके ठंडा लग के जो बुखार होने लगता है, उसमें ये बहुत हितकारी है, बहुत लाभकारी है। चीनी के साथ इसका हीम बनाकर देने से किसी भी प्रकार का वातपित्त रोग, जैसे जलन है या दाह बोलते हैं जिसे, तृष्णा या प्यास लगना इत्यादि में बहुत लाभकारी है। इसका प्रयोज अंग क्या क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तो फल है जिसे सूखी धनिया बोलते हैं, और पंचांग मतलब हरी धनिया, और इसका तेल भी यूज करते हैं। मात्रा होगा चूर्ण का 3 से 6 ग्राम, और अगर हीम कसाई दिया जाए तो 20 से 25 मिलीलीटर, और तेल होगा तो 1 से 3 बूंद। कुछ विशिष्ट आयुर्वेदिक योग है, जैसे धान्यकादि हीम या धान्यपंच काढ़ा। इसके भाव प्रकाश में जो सूत्र है, थोड़ा सा वो समझ लीजिए तो बहुत आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगा। दान्यकम तुवरंग स्निग्धम वृषंग वृषंग मूत्रलंग लघु तिक्तंग कोटुमुष्णम च दीपनम श्रवितम जरग्न रोचन ग्राही साधुपाकी त्रिदोषुनत तृष्णा दाह वमी श्वास काशामार्श कृमि प्रणोत आर्द्र तू तदगुणम स्वादु विशेषात पित्तनाशी तत्। ये भाव प्रकाश में उल्लेखित है। चलिए धनिया के बारे में आप यूज करिए, रिजल्ट देखिए, और कमेंट सेक्शन में लिख के हमें भी बताइए कि आपको क्या क्या रिजल्ट मिला और कितना कारगर रिजल्ट मिला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लोगों से शेयर करिए और हमें भी प्रोत्साहित करिए। थैंक यू।